झांसी में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ने स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल का पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंडलवार सदस्यता अभियान प्रभारी बनाए एवं सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती निकाली है, तो उन्होंने कहा कि 4 साल में लड़के क्या कर लेंगे, इसके बाद वे बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। सेना में भर्ती प्रक्रिया को 3 साल तक बंद रखा गया। जब युवाओं में आक्रोश फैल गया तो युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने के सपने दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि रालोद अग्निपथ योजना का विरोध करती है और योजनाओं के खिलाफ लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय लोक दल पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रहा है और उसके लिए पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान समिति बनी हुई है। खासकर बुंदेलखंड में यहाँ का जो प्रभारी है शैलेंद्र यादव, उनके साथ यहाँ पर मनोज भदुरिया है, अजय रावत है, देवेंद्र मिश्रा है, उन लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में जो सदस्यता अभियान है ये दिसंबर तक, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्मदिन है, पूरे दिसंबर तक सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। पार्टी संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए हम लोगों का एक कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में भी अब 3 दिन पहले जालौन में प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आए हुए थे। हम लोग चूँकि चयन चौधरी जी के साथ काम कर रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी हम लोगों के अध्यक्ष रहे और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की पार्टी है। आज़ादी के आंदोलन में और आज़ादी के आंदोलन के बाद महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इनके जो विचार थे, जो इनके कार्यक्रम थे, वो धार्मिक उन्माद के खिलाफ थे, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए थे और उसके साथ साथ किसानों के सवाल को लेकर, मजदूरों के सवाल को लेकर, वंचितों के सवाल को लेकर के हमारा संघर्ष जारी रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।